बताना क्या बात है बेटा? भाई प्रिया बहुत सस्पेंस हो गया, अब बता भी दो बात क्या है। भाई कम ऑन सी नाउ व्हाट इज इट। प्रिया बताना बेटा। पापा वो दरअसल हम बताना तो चाहते हैं लेकिन। प्रिया बताना। हम अब इसीलिए तो यहाँ आए हैं आप सबको बताने। अच्छा ठीक है, काम करते हैं। मिस्टर कपूर आधी बात आप बता दीजिए, बाकी की आधी बात फिर सबको मैं बता दूंगी। हाँ ठीक है भाई, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हम दोनों को नौकरी मिल गई। Congratulations, Papa. Thank you. अच्छा एक मिनट। अभी आधी बात सुनी है ना, बाकी की आधी बात तो सुन लीजिए। हाँ बताओ ना, जल्दी बताना प्रिया। 10 मिनट बाद। अच्छा ओके बता रही हूँ। बाकी की आधी बात ये है कि हम दोनों को जो नौकरी मिली है ना, एक ही ऑफिस में मिली है। मेरा गोलू और प्रिया दोनों साथ साथ। गोलू पुत्र जूदरम किरा। माँ बहुत अजीब हो तुम, इतनी अच्छी खबर सुनाई, प्यार करने की जगह मार रही हो। फ्रिज में पड़े हैं मिठाई, चल लिया बेटा। एक मिनट। एक और खबर देनी है मुझे जो प्रिया भी नहीं जानती। माँ दादी मैं आयशा से मिलने गया। आयशा से लंबी बात की है मैंने, वो आज के बाद आप लोगों के साथ कुछ भी बुरा नहीं करने वाली, आई प्रॉमिस यू दैट। इसलिए अब आप लोग सब वापस वही जाके रहेंगे। छोड़ बेटा तू। नहीं छोड़ने वोड़ने की बात नहीं है, वो आप ही का घर है इसलिए आप लोग सब वहीं रहेंगे। That's my final decision. गोलू पुत्र तू हमें जहाँ पे रखेगा ना हम वहीं पे खुशी से रह लेंगे। दादी मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, वो आप ही का घर है, जिस तरीके से आप घर से बाहर निकले हैं that is just not done. इसलिए आप लोग सब आप ही के अपने घर में रहेंगे, कुछ नहीं होगा आपके साथ, मैं हूँ ना, it's my responsibility. नहीं राम अब हम लोग उस घर में वापस नहीं जाएंगे, तुम लोगों के बिना वो घर घर नहीं लगता। क्यों बीजी? ठीक है हम दोनों तो खाली बर्तन की तरह खड़कते रहते हैं और तुम लोग के बगैर तो वो घर सूना सूना लगता है मुझे। हमें ना तुम यही रहने दे, फिर यहाँ पर हम हमारा तुम्हारा आपस में मिलना जुलना भी तो रहेगा। गोलू लेकिन माँ दादी यहाँ पर आप लोग सब रहेंगे तो सुधीर जी को बहुत अच्छा लगेगा। राम अरे अपने जब घर में रहेंगे तो तकलीफ कैसी है? तुम तो बस इस बात का ख्याल रखो कि दादी जी को और कृष्णा जी को जहां रहने पे खुशी मिले उन्हें वहां रख दो बस। अब मैं क्या कहूं, मुझे कुछ कुछ भी नहीं, बस ये तय हो गया है कि ये लोग यहीं रहेंगे बस। पापा वो हम दोनों को सैलरीज मिल जाएंगी तो फिर हम कोई और इंतजाम कर लेंगे। प्रिया वो सब बाद में देख लेंगे। ओके राम सुधीर जी और शिप्रा जी भी तो हमारे अपने हैं और बेटा तुम पर और प्रिया पर हमें पूरा भरोसा है, तुम जी जान से अपना काम करो। लेकिन मैम अरे अरे जा जा मिठाई लेके आ फिर से जा। ओ Bye guys. Bye. चल रहा हूँ ये दही शक्कर खा। अरे
दो दो बार? जब दो दो माए हैं तो दो दो बार तो खाना ही पड़ेगा। देख रहे हैं पापा, मुझे भूल ही गई है माँ। अच्छा बेटा, तुम लोग जाओगे कैसे? ऑटो से जाएंगे ना पापा, दोनों को एक ही ऑफिस में जाना है तो एक साथ चले जाएंगे। क्यों भाई, ऑटो से क्यों जाओगे जब गाड़ी तैयार है? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट? नहीं नहीं, आज मेरा एक ही एजेंडा है, इन दोनों को ड्रॉप करना। यार हम बच्चे नहीं है यार। मुझे पता है तुम लोग बच्चे नहीं हो, ना ही तुम स्कूल जा रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें पिकअप और ड्रॉप तो कर ही सकती हूँ ना। अरे हम लोग मैनेज कर लेंगे नेहा, तुम्हें बॉदर करने की जरूरत नहीं है यार। प्रिया मेरा चेहरा देखो, टेंशन नजर आ रही है। Well, tense to you? नहीं ना, क्यों बहस कर रहे हो यार? ओके। यार विक्रम आज तक एक आर्गुमेंट नहीं जीत पाया तो हमारा कोई स्कोप नहीं है। चलो ओके ओके ठीक है, गुड बॉय। हाँ चलो भाई चलो। पापा हम लोग को निकलना चाहिए, देर हो रही है। चलिए मिस्टर कपूर। आपको याद है मुझे तो लगा भूल ही गई थी, दामाद को ही सारा दही खिला देंगी। जरूरी है, तो मेरी बेटी है। अच्छा खुश, सुनो अपना टिफिन टाइम पे खा लेना। टिफिन रखा ना आपने? हाँ, बंटी चाचा ने रख दिया। क्या बात है, आज आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? आज आप गुड़गल लग रहे हो। जब आप ऐसे बिहेव करते हो तो बहुत अच्छे दिखते हो। अब मामा रोज ऐसे बिहेव करेगी और बहुत अच्छी दिखेगी। थोड़ा सा बाल ठीक कर देते। अम्मा मेरे फ्रेंड देख रहे। ओह आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, गो गो गो। आपको चाहते थे मम्मा जिसको स्कूल छोड़ने आई है? हाँ, आज से मेरी मम्मा मुझे रोज स्कूल छोड़ने आएगी। बाय मम्मा। चलो पता नहीं कब तक ये नाटक करना पड़ेगा, नींद भी पूरी नहीं हुई है। God, I'm so late, hey, भगवान। बुआ, आप जल्दी क्यों नहीं उठती? चुप कर दादी अम्मा। Oh my God, इतनी अच्छी ड्राइंग, इसके लिए तो बुआ को पीहू के लिए गिफ्ट लाना पड़ेगा। चॉकलेट? हाँ, वो भी मेरी फेवरेट चॉकलेट। ओके डन, आपका फेवरेट चॉकलेट। ओके बुआ, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और प्राइस चाहिए। क्या? मुझे खुश से मिलना है, आप प्लीज मिला दोगे? ऑफ कोर्स। तो चले अभी मिल लेते। ओके कम ऑन लेट्स गो। घर में सब लोग कितने एक्साइटेड थे ना। आप लोग जनरल मैनेजर के लिए वेट कर रहे हैं? जी। उनका फोन आया था, वो एयरपोर्ट से सीधा ही आ रहे हैं, बस 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। वो कहीं गए हुए थे? जी 5 साल से कतार में थे, आज ही लौट रहे हैं और वही आपके बॉस होंगे। ओके थैंक यू। हमारे कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गए हैं, ये नए बॉस आ जाएं तो जल्दी हमारा काम भी शुरू हो जाएगा। Yes, I think so. I think this is all very good, यार। मतलब ये सब बहुत अच्छा हो रहा है हमारे साथ। ये कंपनी, you know, it's looking good. और फिर साथ में काम करने का मौका मिलेगा, पूरा दिन साथ में रहेंगे। I'm feeling very happy, very good about this. मैं भी बहुत खुश हूँ। ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि अब हमें लड़ने के और मौके मिल जाएंगे, घर में भी और यहाँ ऑफिस में भी। अरे सिर्फ लड़ने का नहीं भाई, मनाने का भी तो मौका मिलेगा। I'm really, really happy. अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग एक साथ में क्यों बैठे?
ये हमारी कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। रूल्स हर कंपनी में होते हैं, यहां भी हैं, और वो रूल्स सबको फॉलो करने पड़ते हैं। ये कंपनी किसी के बाप की नहीं है। हम मालिकों की मर्जी से किसी को भी रख लिया जाए या निकाल दिया जाए, यहां उनकी चलती है जो कंपनी चलाते हैं, वो यहां के बॉसेस हैं, और आप लोगों का बॉस मैं हूं। इसलिए बिना कोई सवाल किए जो मैं कहूं वही करना होगा। एक और रूल है इस कंपनी का, यहां का हर एम्प्लॉय अपना पुराना स्टेटस और अपनी पुरानी अचीवमेंट्स वहां उस दरवाजे के बाहर छोड़कर आता है, क्योंकि यहां सिर्फ काम को इंपॉर्टेंस दी जाती है, नाम को नहीं। लाइफ कब किस मोड़ पर लेकर चली आती है पता ही नहीं चलता। Do you agree with me, Mr. Ram Kapoor? Have a good day. बहुत ही अच्छा लगा। वो भैया और प्रिया वापस मुंबई आ गए। इसका मतलब पीहू फिर से ये स्कूल ज्वाइन करेगी? नो प्लीज ना मॉम, मॉम प्लीज मॉम, मॉम आप कभी हमारी बात नहीं सुनती हो। मॉम हमेशा सुनती हूं तुम्हारी बात, मुझे अभी नहीं सुनना। कम ऑन मॉम, मॉम प्लीज ओनली दिस टाइम। नो नो नो, डैड होते ना पक्का हमारी बात सुनते हैं ना। आप चुप करो, पापा की तुम दोनों के दोनों। अभी पूछते हैं किसकी साइड लेते हैं वो। क्या बोले डैड? लगा नहीं फोन। पिक अप एंड डोंट यू डेयर हैंग अप। क्या है ने? जब मैं काम कर रहा होता हूँ तभी तुम्हें फोन करना होता है क्या? जब मैं तुम्हें फोन करती हूँ तभी तुम्हें काम क्यों सूझता है? और मैं टाइम पास करने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए कर रही हूँ। ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात आ गई क्या? देश खतरे में है क्या? उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, देश नहीं हमारा घर खतरे में। इसी तरह बोलो ना, हुआ क्या है? तुम प्लीज घर आओ और देखो तुम्हारे बच्चे क्या करना चाह रहे हैं। यार अभी मैं ऑफिस में हूँ, अभी घर कैसे आ सकता हूँ? तुम अगर काम नहीं छोड़ सकते ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? व्हाट नॉनसेंस यार। विक्रम आ रहा हूँ। लो आ गया। थैंक यू। बोलो क्या बात है? अब देखो तुम्हारे दोनों सुपुत्र क्या लाए हैं। देखो ना मॉम इसे घर में रखने नहीं दे रही। डैड देखो ना कितना क्यूट है डैड। डैड मॉम को बोलो ना। क्या मामा को बोलो? हाँ पूछो इन दोनों से कहाँ से उठा कर लाए। नीचे कंपाउंड में बेचारा अकेला घूम रहा था, रो रहा था। डैड बोल रहा था कि मुझे अपने साथ ले चलो। हेलो इसका मुंह है जो बोलेगा? डैड ऐसे बात करके बोला था और सैड आइज भी थी ना। तो एक मिनट दिखाओ डैड। हमने सही किया ना डैड? What are you doing? नेहा he's so cute यार। क्या कर रहे हो विक्रम? No, 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 no। नेहा देखो मेरी बात सुनो। नेहा देखो तो यार he's such a cute dog। क्यों तो problem क्या है यार? अरे हम एक फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट में डॉग नहीं रख सकते हम। अरे प्लीज ना मॉम,
नेहा देखो एक मिनट, तुमने इन दोनों जानवरों को पाल लिए, अरे मुझ जैसे आदमी को झेल रही हो तुम, ये तो बेचारा डॉगी है यार। मैं तुम लोगों को ऐसे कहीं सड़क से उठाकर नहीं लाई हूं, ओके? नेहा देखो एक बेचारा इतना शांत सा पपी है, देखो सो क्यूट, कोई तंग नहीं करेगा ना, भौंकेगा ना, शोर मचाएगा, एक कोने में पड़ा रहेगा, बोलो ना यार। हां मॉम, डॉग है प्लीज, ऐसे कोई चुपचाप नहीं रहने वाला है। नेहा हाउ कैन यू रेजिस्ट, जस्ट लुक एट हिम, ही इज सो क्यूट, ही इज, अरे दिखा ना यार। मॉम देखो ना बेचारा अकेला कहां जाएगा, जस्ट लुक एट हिम, कितना क्यूट है मॉम। मॉम इसकी मम्मा भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना। नो अरे मान जाओ यार, प्रॉब्लम क्या है मॉम, प्लीज। ज़्यादा excited मत होके, because मेरी एक शर्त है। क्या? अगर ये यहाँ रहेगा ना, तो इसकी responsibility मेरी नहीं है, तुम तीनों की है। हाँ तो एक मिनट, दोनों संभालेंगे ना, दोनों मिलके? तुम तीनों संभालोगे। चलो अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये बताओ इसका नाम क्या रखा? स्नूपी। नहीं, वैम्पायर। वैम्पायर क्या नाम हुआ? He's a pug, इसका नाम होगा पगलू। पगलू? What's wrong with you? अरे but he's a pug, so you should be पगलू। No, vampire, vampire. पगलू। Vampire, mom, कितना अच्छा नाम है। पगलू। इसका नाम रखते हैं पगलू, vampire. Okay? तुम vampire बुला लेना, तुम पगलू बुला लेना. Is that okay? Now if everything is good, मैं काम पे वापस जा सकता हूँ. I'm Ashwin, Priya ka dost. Hi, I'm Ram. मेरे कमरे में आना प्लीज। यस सर। अतुल ये फाइल राम कपूर को दे दो और उससे कहना कि 4 बजे तक मुझे सारी रिपोर्ट्स रेडी चाहिए। 4 बजे तक सर? लेकिन सर 2-2 बज गए हैं सर। यू हर्ड मी अतुल, राम कपूर से कहना कि मुझे हर हालत में 4 बजे तक ये रिपोर्ट्स रेडी चाहिए। शुभ ना। दो बज गए, लंच टाइम, चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। हाँ आप 2 बज गए, मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है बस 2 मिनट, दो अभी खाते। आज कपूर, अश्विन सर ने ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। ठीक है कर लो। ये रिपोर्ट आज शाम 4 बजे तक तैयार हो जानी चाहिए सर। लेकिन 2 घंटे में ये रिपोर्ट पूरी कैसे करूँगा मैं? अश्विन सर ने कहा है तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि अश्विन सर समय के बहुत पाबंद हैं। अरे पर ये क्या मतलब है? आप पहले लंच करिए, उसके बाद आप कुछ और काम कीजिएगा। नहीं प्रिया, आई थिंक तुम ही खा लो, दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क, अगर मैं अभी शुरू करूंगा तो शायद 4 बजे तक कर पाऊंगा, मैं ये काम पहले कर। अरे 10 मिनट की बात है मिस्टर कपूर, फटाफट लंच कर लीजिए, उसके बाद काम करते रहिएगा ना। मुझे कभी भी 10 मिनट लगे क्या खाना खाने में? प्लीज यार ये करने देना। अच्छा ठीक है, आधा घंटा ले लीजिए, बाद में आधा घंटा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, बट पहले खाना खा लीजिए आप। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट प्रिया, तुम भी जानती हो, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा आराम से। अच्छा ठीक है आप काम कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मेरा खाना साथ में तैयार हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? अरे वेट ना, नो प्रॉब्लम, 1 मिनट लगेगा, आपको काम रोकना ही नहीं पड़ेगा, मैं आपको ना सब्जी डाल के रोटी का रोल बना देती हूँ, आप खाते रहिए साथ में और काम करते रहिए, है ना? भाई जो करना है करो, मुझे अपना काम करना है। ये लीजिए। मैम आप यहाँ खाना नहीं खा सकते, आपको कंपनी के रूल नहीं पता, यहाँ खाना सिर्फ कैंटीन में अलाउड है। लेकिन ऑफिस के रूल्स के हिसाब से 2 से 2:30 के बीच में लंच ब्रेक होता है,
अगर आप लंच ब्रेक नहीं दे रहे तो यहाँ खाना भी अलाउड होना चाहिए। यहाँ सभी के लिए यही रूल है। But... Okay, okay. It's okay. हमें बताने के लिए था। That's not fair, Mr. Kapoor. आपको नहीं मानना चाहिए था। प्रिया, खाना खा लो, please. मुझे नहीं खाना। आप काम खत्म कर लीजिए, हम दोनों साथ में खाएंगे 4 बजे। अब यार ये तो तुम ब्लैकमेल कर रही हो मुझे यार। नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है, ये इंसेंटिव है जल्दी काम खत्म करने का। मैं वेट कर रही हूँ ना, आप काम खत्म कर लीजिए। कुछ ज्यादा ही मिठास है इस शादी में। आई मीन चाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.